हाउसिंग बोर्ड में 165 गरीब बच्चों को मिल रहा है शिक्षा का लाभ। उपखंड के उपसभापति राजू बायती का कच्ची बस्ती के उत्थान में रहा सराहनीय प्रयास। किशनगढ़ के वार्ड 22 की कच्ची बस्ती के बच्चों में जागरूक हुई शिक्षा की लहर। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा हो रहा है बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रत्येक सप्ताह विद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षिकाएं जाती है कच्ची बस्तियों में शिक्षा की अलग जगाने। अच्छी शिक्षा विद्यालय गणवेश अल्पार आदि का बच्चों को मिल रहा है निःशुल्क लाभ। मदनगंज किशनगढ़ हाउसिंग बोर्ड के वार्ड नंबर 22 में चल रहे राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठी मिसाल बनाई है। इस विद्यालय में सत्र 2016-17 में 165 विद्यार्थी शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, जहां उन्हें अनुभवी शिक्षकों द्वारा अच्छी शिक्षा तो मिल रही है, साथ ही साथ सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ जैसे कि फीस मुक्ति, विद्यालय गणवेश अल्पाहार आदि का लाभ भी मिल रहा है। बात करें शिक्षा की तो वार्ड नंबर 22 के पार्षद एवं किशनगढ़ के उपसभापति राजू बायती ने अपने कार्यकाल में इस विद्यालय के लिए सुलभ शौचालय का निर्माण भी करवाया है। यही नहीं, कच्ची बस्ती के विकास में रेवा से लेकर शिक्षा तक राजू बायती ने बेहतर प्रयास किए हैं। कच्ची बस्ती के गरीब लोगों के रहन सहन का स्तर सुधरने के साथ साथ अनपढ़ लोगों में भी बच्चों के भविष्य को लेकर शिक्षा की अलग जागी है। विद्यालय की प्राचार्य उमा सोनी ने बताया कि प्रत्येक सप्ताह जन जागृति शिक्षा अभियान के तहत स्वयं प्राचार्य एवं शिक्षिका चारू एस पुट्टी, ललिता जैन, भगवती शर्मा, तेजी छकानी, अलका शेखावत, सुमन लता जैन सभी क्रमवार कच्ची बस्ती में जाकर अभिभावकों को शिक्षा का महत्व बताती हैं एवं उनसे हस्ताक्षर भी करवाती हैं। विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि पर भी शिक्षकों का विशेष ध्यान दिया जाता है। इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सरकार द्वारा दिए जाने वाला साफ सुथरा भोजन लंच पूर्व तैयार किया जाता है। लंच समय होते ही बच्चे भी सभ्यता से भोजन पूर्व हाथ धोकर गैलरी में दरिया बिछाकर क्रमवार बैठते हैं। उन्हें घर जैसे माहौल में भोजन परोसकर दिया जाता है। बच्चों की शिक्षा एवं विद्यालय सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए सभी शिक्षिकाओं ने निजी पैसा एकत्र कर बच्चों के लिए वाटर कूलर की भी सुविधा विद्यालय में मुहैया करवाई है। आगाज की आवाज से मैं संपादक ओम प्रकाश नजवानी। यहाँ से जो हमारे पास भी कच्ची बस्ती है और एक लोहार बस्ती है, वहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं, तो हमारा जो स्टाफ है वो फोन में हम जाकर के वहाँ से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके पेरेंट्स को समझाते हैं और वहाँ से जोड़ रहे हैं। अभी हमारे पिछली बार में 128 का नामांकन था, उसमें से 8 बच्चे कच्ची बस्ती के पास होके चले गए, वो 9th पे चले गए हैं और वहाँ से हमारे स्टाफ का सहयोग पा करके मैंने अभी लगभग 165 बच्चे का नामांकन बढ़ा लिया है और मेरा स्टाफ पूर्ण सहयोग में लगा हुआ है कि अधिक से अधिक बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जाए और साप्ताहिक ये लोग जाते हैं कच्ची बस्ती में पास में आसपास में और जो बच्चे नहीं आते हैं उनको लेकर आते हैं और हमारा ये सहयोग रहता है इन बच्चों को पढ़ाई के लिए। कम से कम इनके पेरेंट्स पे भार देते हैं, हम खुद ही अपने पैसों से सामग्री लेके आते हैं इनके लिए पढ़ाई के लिए, कॉपी, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि जूते मोजे भी हम ही लोग लाके देते हैं और इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा सबका ये प्रयास है कि ये कच्ची बस्ती के लोग आगे बढ़ जाएं और जो इनके माँ बाप पेरेंट जो अनपढ़ हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे वैसे नहीं रहें और ये बच्चे आगे जाकर के उन्नति करें।